वार्ड संख्या 52 में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे क्षेत्रीय अध्यक्ष। रविवार को मोहल्ला जाहिदनगर जिला महामंत्री रहीस चौधरी के भाजपा कार्यालय पर भारी बारिश में भीगते हुए पहुंचे क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक। वार्ड संख्या 52 की प्रत्याशी हीना परवीन के समर्थन में वार्ड वासियों को अपने अंदाज में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने वोटों की अपील करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हर योजनाएं मुस्लिम समाज के लोग ले रहे हैं, इसलिए सभी क्षेत्रवासी अपने भारी मतों कमल के फूल का बटन दबाकर हीना परवीन को विजयी बनाएं, जिससे भाजपा की हर योजना का लाभ आगे भी ले सके। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राजेश रस्तोगी, मंडल अध्यक्ष मंगल सेन राजपूत आदि का प्रतिभाग रहा। वार्ड 52 बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे साथी जितने भी मेरी माँ बहनें हैं मेरा साथ दें, और मैं सारी सफाई की, इसकी गली की, नालियों की सारी सुविधा करूँगी, अच्छे से काम करूँगी, इसमें वादा है मेरा सबसे। क्या पब्लिक से क्षेत्र की जनता में क्या कहना, क्या अपील करनी चाहिए, कैसे कहेंगे? सिर्फ मेरी अपील यही है सबसे कि मुझे वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा साथ दें, मेरा सबसे वादा है, वो मेरा साथ देंगे तो मैं उनका साथ दूँगी। क्षेत्र में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मुरादाबाद के वार्ड 52 में जो हमारी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की हीना जी, उनके समर्थन में हम अपील करने आए हैं लोगों से कि हीना जी को 4 तारीख में कमल के फूल पर बटन दबाकर जिताना है, और इनकी जीत से एक विकास का रास्ता तय होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये सरकार को बदलने का चुनाव नहीं है, सिस्टम को बदलने का चुनाव है। यहाँ पे जो लोग हमारे पहले जीते थे उन्होंने काम नहीं करा, जिन्होंने विकास नहीं किया, इस बार हम चाहेंगे कि हीना जी यहाँ से प्रत्याशी जीत के आएँ और वो इस मोहल्ले का, इस वार्ड का विकास करें। यहाँ की नालियाँ, यहाँ की सड़कें, यहाँ के खड़ंजे, यहाँ की लाइटें, यहाँ का स्वास्थ्य, जो भी किसी चीज़ की यहाँ परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो हम चाहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हीना जी उन सब समस्याओं को दूर करने का काम करेंगी। प्रत्याशी की ओर से जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी तो अपील ये है कि जनता प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे, और प्रत्याशी जब जीत के आएंगे, जो उनको जिम्मेदारी मिल जाएगी, वो पार्षद यहाँ की बन जाएंगी, तो वो भी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जी सर, क्या सुना? मेरा नाम रहीस चौधरी है, भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ मैं, अखिल भारतीय पसपंदा मुस्लिम मंच राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज हमारा वार्ड 52 में हमारी हीना परवीन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके लिए एक जनसंपर्क का प्रोग्राम था, और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय जावेद मलिक साहब आए थे, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा था, और वार्डों में जाके और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और राज्य की योजनाएं हैं उनके बारे में बताना है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमारा बड़ा और छोटा वोट है उसके लिए हमें अपील करनी है, क्योंकि ये टोटल सारा एरिया हमारा वार्ड 52 का मुसलमान एरिया आता है, इसमें विकास नहीं होता है, 25-30 साल से अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, नालियाँ सब ऐसी हैं, तो हमारे यहाँ की जनता ने बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी हम लोगों को खड़ा करा, भारतीय जनता पार्टी ने हमें मौका दिया है, और हमारी जनता ने भी हमसे कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर विकास चाहते हैं आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि सत्ता की सरकार है, क्योंकि इसमें पार्षद जी भी विकास करेंगे, हमारे जो महापौर्स बनेंगे वो भी विकास करेंगे, हमारे माननीय विधायक जी भी विकास करेंगे, और जब पार्षद बीजेपी का होगा तो केंद्र की भी योजनाएँ और राज्य की भी योजनाएँ सारी आएंगी उसमें। क्या रुझान है? रुझान तो बहुत बढ़िया आ रहा है माशाल्लाह, लोगों से अच्छा रुझान लग रहा है, और विश्वास भी दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि आपके मुसलमान वोट देंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।